अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ कशफ। तो आज मैं बनाने लगी हूँ रेनबो थीम्ड पाइनएप्पल केक। तो वीडियो ऑलरेडी लंबी होने वाली है, इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। बस इससे पहले, अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हमें चाहिए होगा इसके लिए वनीला स्पॉन्ज, ऑब्वियसली। इसके लिए मैंने यहाँ पे 6 अंडे लिए हैं और इनको बीट कर लेना है, और थोड़ा सा बीट करने के बाद ही मैंने इनमें चीनी ऐड करनी है। और चीनी मैंने ली थी 3/4 कप, और इसमें 2 टेबल स्पून और ऐड करने हैं। पाउडर शुगर है ये, और साथ ही बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसमें वनीला एसेंस भी डाला था। और उसके बाद इसको बीट करते जाना है, और इतना बीट करना है कि ये इस तरह से फ्लफ़ी सा हो जाएगा, और तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। और जब ये इस तरह का हो जाए तो बस बीट करना बंद कर देना है। और इसके लिए आपको काफ़ी बड़ा सा बोल चाहिए होगा। अच्छा, उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे मेरे पास मैदा है, और इसको मैंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा 1-2 टेबल स्पून एक टाइम पे ऐड करने हैं, और इसको आराम आराम से बहुत प्यार प्यार से मिक्स कर लेना है। मिक्स मतलब कि फोल्ड कर लेना है एक ही डायरेक्शन में। सारा का सारा मैदा फोल्ड करने के बाद 2 6 इंचेस के मोल्ड मैंने लिए थे, और उसमें इक्वली इस बैटर को डिवाइड कर देना है। आप चाहें तो 7 इंचेस में बना सकते हैं, चाहें तो 6 इंचेस में भी बना सकते हैं, 2 में, और अगर 1 में बनाना हो तो 9 इंचेस में। उसके बाद ये केक जो थे वो बेक हो गए थे अच्छे से, मैंने इनको ठंडा कर लिया था। मैंने इनको क्लीन करके ना तो फ्रिज में रख दिया था, अगले दिन मैंने इनकी आइसिंग की थी। चाहें तो उसी दिन भी कर सकते हैं थोड़ी देर ठंडा करने के बाद। उसके बाद यहाँ पर मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है, और ये थी तकरीबन 2 कप, और इसको अच्छे से बीट कर लेना है और जब तक इसमें पीक्स आ जाएंगी। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे सोकिंग सिरप बनाना है, उसके लिए मैंने लिया था 3/4 कप पाइनएप्पल जूस, और उसमें मैंने डाला था थोड़ा सा पानी, इसको थोड़ा सा लिक्विड ही बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक सा सिरप होता है। आप चाहें तो उस तरह से भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे थोड़ा पानी मिक्स करके यूज़ करना अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पे केक को अब हमने लेयरिंग करनी शुरू करनी है। मैंने थोड़ा सा क्रीम लगाई, उसके ऊपर केक बोर्ड रखा है, और फिर हमारे केक की फर्स्ट लेयर रखी है। मैंने दोनों केक्स को 2-2 लेयर्स में डिवाइड कर लिया था, और टोटल 4 लेयर्स हमारे पास आ जाएंगी। और अच्छा, अब इसको सोक करना है वो सिरप से, और मेरी टेक्निक तो यही है कि मैं हाथ लगा के चेक कर लेती हूँ कि मुझे जितना सॉफ्ट चाहिए उतना मैं इसको सोक कर लेती हूँ, और जहाँ जहाँ से मुझे लगता है कि और ज़रूरत है वहाँ पर डाल लेती हूँ। और उसके बाद क्रीम थी मैंने वो इस पर लगा दी है, और आज मैं ये ट्राई कर रही थी कि थोड़ी कम क्रीम लगाऊं। अच्छा, क्रीम को इवेंटली स्प्रेड करने के बाद मैंने इस पर पाइनएप्पल स्लाइसेस रख देना है। और उसके बाद जाएगी केक की सेकेंड लेयर, और इसको भी सोक कर लेना है। अगर इस तरह से एक लेयर के ऊपर दूसरी रख के सोक करेंगे, मुझे ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उठाने में ना ये वाला जो स्पॉन्ज है ये बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट होता है, तो ये उठाने में टूट सकता है। तो ऊपर रख के सोक करना ही ना सेफेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद इसी तरह से इस पर भी मैंने क्रीम की लेयर लगा दी, इवनली स्प्रेड कर दिया उसे, और उसके बाद दोबारा से पाइनएप्पल स्लाइसेस, और फिर हमारे केक की थर्ड लेयर जाएगी, और उसको भी सोक कर लेना है। फिर उस पर भी दोबारा से क्रीम, उसको अच्छे से इवन करने के बाद दोबारा से पाइनएप्पल स्लाइसेस, और फिर लास्ट लेयर जाएगी केक की, मतलब कि फाइनल लेयर। और फिर साइड्स पे भी मैंने पाइपिंग बैग से इस तरह से क्रीम लगा देनी है अच्छे से। इस ये वाला तरीका मुझे काफ़ी इजी लगता है, इससे इवनली क्रीम लग जाती है एक ही बार में, और जब आप एक ही बार स्पेशल रन करते हैं ना इसके साइड्स पे, तो वो नीट हो जाती है अच्छे से। और ऊपर भी इसी तरह से मैंने क्रीम की लेयर लगा दी। अब मैंने एक बड़े साइज़ की पैलेट नाइफ ली थी, और उसे इस तरह से नीट कर लेना है इसको, और थोड़ा मतलब जितना नीट इसे हो सका। उसके बाद मैंने एक ऑफसेट स्पैचुला लेके अच्छे से क्रीम को लेवल कर लेना है हर तरफ से। और जब अच्छे से केक लेवल हो गया था, उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि वो उतनी देर अच्छे से ठंडा होता रहे। आजकल तो गर्मी है तो बार बार फ्रिज में रखना पड़ता है बीच बीच में। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास 6 डिफरेंट कलर्स की बटर क्रीम है,
और इसको मैंने पाइपिंग बैग में डाला हुआ है। अगर आपको इस बटर क्रीम की रेसिपी चाहिए तो मैंने मेरी कप केक से वीडियो इसका लिंक मैं ये दे देती हूँ ऊपर, यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर मैंने पाइपिंग बैग लिया है, एक उसमें नोज़े लगाई है 1 mm, और अच्छे से इसको आगे से टाइट कर लेना है ताकि पाइप करते हुए हिले ना नोज़ल। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक क्लिंग रैप लिया है, उसको इस तरह से बिछा के तो उसके ऊपर मैंने वो जो हमारी बटर क्रीम है उसकी लेयर इस तरह से उसकी लाइंस बना देनी है। और फिर इसको इस तरह से बहुत आराम आराम से फोल्ड करना है, और कोशिश करेंगे इस टाइम पे आपकी बटर क्रीम जो है वो थोड़ी ठंडी हो, वरना तो ये कलर मिक्स होना शुरू हो जाएंगे अगर वो मेल्ट हो रही होगी। अच्छा, उसके बाद इसको बहुत आराम से बड़ी एहतियात से उठा के मैंने इस पाइपिंग बैग में डाल दिया था, और फिर और साइड से जो एक्स्ट्रा क्लिंग रैप था वो मैंने निकाल दिया था। अब जो केक था वो मैंने फ्रिज से निकाला, और उसके बाद मैंने इस तरह से रेनबोज बनानी शुरू कर देनी है इस पर। और गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से बटर क्रीम ना मेल्ट हो रही थी, लेकिन फिर भी काम हो गया था। और बस पूरे केक पे मैंने इसी तरह से रेनबोज बना देनी है रैंडमली। इसकी साइड्स पे रेनबोज बनाने के बाद ऊपर मैंने इस पर इस तरह से ब्लेड बनाई थी, और जो बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। साइड्स पे थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी क्योंकि बटर क्रीम जो है वो गर्मी की वजह से मेल्ट हो रही थी, तो मुझे लग रहा था वो नीचे ना गिर जाए, लेकिन थैंकफुली ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद इस तरह से ब्रेड बना दी, और फिर मैंने क्लाउड्स बनाने हैं। उसके लिए मैंने व्हिपिंग क्रीम ही ली थी, और मैंने इस पर छोटे साइज़ के राउंड नोज़ल लगाई हुई थी, और चाहे तो नोज़ल ना भी लगाएं वैसे पाइपिंग बैग को काट सकते हैं, इससे इस तरह के क्लाउड्स बना देने हैं। रेनबो के नीचे दोनों साइड्स पे बनाने हैं, इस तरह से एम या डब्ल्यू कुछ भी बना देना है तो वो क्लाउड की शेप ही बन जाएगी। इस तरह से रैंडमली बीच बीच में मैंने थोड़े से क्लाउड्स बना देने हैं, और बस ये हमारा केक क्लियर वो तैयार हो गया है। अब इसको अच्छे से ठंडा करके फिर मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। तो देखिए केक को ठंडा कर लिया था मैंने, और ये हमारा रेनबो पाइनएप्पल केक तैयार है। तो अगर तो आपको ये पाइनएप्पल और रेनबो का फ्यूजन अच्छा लगा है तो ट्राई करें इस केक को और खाएं और मज़े करें। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।